We want justice. आज सुबह हमें डी साहब ने बुलाया और बोला ये आर्डर ले जाओ क्योंकि आपके ऑफिसर हमने सस्पेंड किया है और अटैच कर दिया है, क्योंकि हमें डायरेक्टर साहब का आर्डर था कि बशीर अहमद सोफी जो हमारे इन्फॉर्मेशन से लड़ते थे उनको यहाँ पे लुकअप किया रखा गया है और हमें अपन डिपार्टमेंट का था, हमें अपन डिपार्टमेंट की बहुत एक्टिविटीज होती है, हमारे प्रेस नोट्स होते हैं, हमारा और काम होता है, फील्ड फंक्शनरीज होती है, पी एस का होता है और हमें ऊपर से फिर हमने बात की डायरेक्टरेट ऑफिस में, हमारे यूनियन ने यह फैसला किया कि हम प्रोटेस्ट पे रहेंगे जब तक भी सब हमारा ये मामला ख़त्म नहीं करेंगे, आर्ट को रिवोक नहीं करेंगे तो तब तक हम प्रोटेस्ट में रहेंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यूनियन का, बारामूला का, कुपवाड़ा का, पानीपुरा का, श्रीनगर का, हर जगह का, तीनों खितों में उन्होंने हमारा साथ दिया है। इस वक्त हम प्रोटेस्ट पे हैं, जब तक कि डी सी साहब अपना आर्डर रिवोक न करें तब तक हम प्रोटेस्ट में रहेंगे। डी सी कुपवाड़ा ने ऐसा किया कि हैंड ओवर के एडी साहब को यहाँ आर्डर निकाला कि लुक आफ्टर द चार्ज आप DIO कुपवाड़ा, तो बाद में फरवरी की पे हमारे काशिफ साहब ने निकाली, तो जब डायरेक्टर को पता चला कि भाई बात क्या है ये मुझे पता नहीं है, मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ का और मेरे डी सी ने जाके मेरे पावर किसी और को दे दिए, अगर ऑलरेडी उसने दिए थे, अगर ऑलरेडी उसने पहले ही पावर दे दी पानीपुरा को, तो उसके बरक्स उसने नया आर्डर बनाया, दोबारा उसने डी टी पावर बारामूला को दिए और यहाँ पर लुक आफ्टर के लिए इंफॉर्मेशन ऑफिसर हंदवाड़ा को लुक आफ्टर डी आई सी कुपवाड़ा के लिए रखा गया। तो जब डी साहब को ये पता चला तो उसने बोला कि ये मैं आर्डर में डायरेक्टर का आर्डर मैं नहीं मानता, आप चले जाओ यहाँ। उसको बाहर प्रेशर किया गया, आप जहाँ से हंदवाड़ा चले जाओ, आप यहाँ पर नहीं आना। जब उसने नहीं माना तो हमने डायरेक्टर साहब से बताया, डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई कौन होता है डी सी साहब ये बोलने वाला, आप ऐसा करो कि हमारा DIO वहाँ बैठेगा जो जिसको मैंने वहाँ पे भेजा है, इसका कंसर्न मैं हूँ। आज सुबह फिर डी सी साहब ने एक और आर्डर निकाला, सस्पेंड आर्डर निकाला कि भाई आप अटैच हो जाओ इलेक्शन में अंडर सस्पेंशन। तो इसी वजह से हम प्रोटेस्ट पर हैं कि जब तक डी सी साहब अपना आर्डर रिवोक नहीं करता है, वापस नहीं लेता है, तो हम तब तक हड़ताल पर रहेंगे। हम ही नहीं पूरा DND के इस वक्त इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हड़ताल पर, आने वाले इलेक्शन है उसमें यही रहेगा कि जब तक डी सी साहब अपना आर्डर रिवोक नहीं करता है तब तक हम प्रोटेस्ट में रहेंगे। हमारी भी कोई इज्जत है, हम भी इस डिपार्टमेंट से हैं, हम हारी यहाँ मोहाली नहीं है, खाकरूप नहीं है, यहाँ पे हम भी गहरी भी हैं और